मौलाना अबुल कलाम आजाद के 136 बर्थडे एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, मगर ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है जो आज भी एजुकेशन पॉलिसी की जो ढांचा है इंडिया, वो आज भी 136 साल उनका 75 साल के बाद आज भी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बनाए हुए एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर चल रही है। आज भी नरेंद्र मोदी सरकार वो एजुकेशन नाम चेंज कर सकता है, उसके ऊपर हिस्ट्री को चेंज कर सकता है, मगर उसका जो ढांचा है उस ढांचे के ऊपर आज भी एजुकेशन पॉलिसी, इसे हमसे अच्छा हमारे मगर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो काउंसिल थे हम भी वही काउंसिल, मगर लोएस्ट इन एजुकेशन हमारे कौम आज पूरे हैं, इसके ऊपर हमें तवज्जो देना होगा, इसका ऊपर हमें चर्चा करना है, ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे एजुकेशन में आए और क्वालिटी एजुकेशन में आए, ये हमें देखना है। सिर्फ सरकार से नहीं हो, एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं आए, हर बच्चा स्कूल के टाइम स्कूल कर, ये देखना हमारे इस जो सोसाइटी है इस सोसाइटी का सबसे बड़ा काम है। हम कोशिश कर रहे हैं गर्ल्स कॉलेज बना के स्कूल बना के ये बना के कोशिश कर रहे, मगर ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगा जब तक हमारे कौम इसमें नहीं जुट जाएंगे। नहीं हम सिर्फ नहीं, मेरे बच्चा नहीं, मेरे मोहल्ले की भी एक बच्चा स्कूल ना जाए ऐसा नहीं हो सकता। जो एजुकेशन इज द ओनली वे, हम गरीब कौन हम लाचार कौन, मगर एजुकेशन इज द ओनली वे जहां हमें आगे ले जा सकते। एक समय था जब इकोनॉमी ऑफ लैंड थे जमींदार के पास पैसा, उसके बाद हुआ वेल्थ इकोनॉमी जिसके पास पैसा है टाटा बिरला अदानी अंबानी, आज हो गया है नॉलेज इकोनॉमी जिसके पास हुनर है जिसके पास नॉलेज है वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो सकता है। ऐसा जैसे हमारे बिल गेट्स है इसका नॉलेज हो गई, तो आइए हमारे बच्चे, हमारा तो जैसा जैसा होगी हमारे बच्चे कल बेहतर जिंदगी मिले, और ये जिंदगी मिलने से तब मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम रोशन होगा। सिर्फ स्कूल एक बन गया बहुत नहीं है, वो स्कूल में सबको आके एक क्वालिटी एजुकेशन लेना है, ये सबसे ज्यादा है। सोसाइटी को चेंज करना इसलिए नहीं है, हम आगे भी बोल के आज भी बोल, शादी कितना बड़ा पाड़ा में होता है इसमें सोसाइटी का कोई परिचय नहीं, कितने बच्चे पढ़ लिख के बड़े हुए, कितने बच्चे WBCS हुए IPS हुए IAS हुए डॉक्टर हुए इंजीनियर हुए प्रोफेसर हुए, इसका ऊपर एक सोसाइटी का पहचान होता है। हम जब जाते हैं इसी अंदर में मोहल्ला में तो देखते हैं एजुकेशन जब हायर सेकेंडरी चलता है तो इतना बड़ा बड़ा बॉक्स बन जाता है, इसका खिलाफ में होना चाहिए। जब आप शादी 5,000 के करिए 10,000 के करिए आपका बात है, मगर महिला को आप जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे तीन तरह से वो परेशान है। एक है पहला, बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लिटरेट है, उनके IQ दूसरे बच्चे डॉक्टर के बच्चे या प्रोफेसर के बच्चे की तरह नहीं हो सकता, तो उनको समझने में कोशिश लगेगा अब तारे जमीन पर शायद देखें। दूसरा, उनके सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है एनवायरमेंट, वो एक घर में रहता है 10 आदमी रहता है, यहां से होमवर्क ले जाके काम नहीं कर सकता, और उसके ऊपर पड़ा में अगर बॉक्स बसते रहा तो बेचारा पड़ेगा। और तीसरा है सोशल ऑब्लिगेशन, बात हम एजुकेटेड सोसाइटी है, हमारे लिए शर्म की बात है हमारे बाप को बेटा कहकर नहीं पढ़ाई छोड़ दे शर्म की बात, मगर वो जो सोसाइटी आज सर उसमें शर्म नहीं है,
वो गैराज में लग गया, क्या करेगा पति। तो तीन तरह के हमारे जो बच्चे, गरीब बच्चे, और तीन तरह से मरूर है जो उनको, उसके ऊपर उनको निभाए, उसके ऊपर अगर कोई आता है तो वो काम नहीं हमारे तारीफे काबिल है। ये जो समिति का जो ये ढांचा थिंकिंग है, इसे चेंज करना है। सिर्फ नेता आके बात बक के जाएगा और स्कूल बना दो, नहीं, हमारे अपने आप को ठीक करना है। बहुत सारे माँ आज के दिन में है जो इसके ऊपर तबस्सुम देते हैं। एक हम देखें, एक माँ को परेशानी की तरह परेशान होके भी सारा काम करके, घर के काम करके भी बच्चे को स्कूल भेजते, मगर बाप को भी उतना ज्यादा उसके ऊपर अहमियत देना है। सिर्फ माँ के जिंदगी जिम्मेदारी नहीं है, ये सोसाइटी है, हमें आगे बढ़ना है। हमारे जो परिचय है, हमारे जो ये है वो क्या है। हमसे अगर बेहतर जिंदगी हमारे बच्चा को देना है, अगर हमें उसके पहचान से अपने पहचान लगाना है, तो अभी से उसका कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके हमारे कौम, हमारे सोसाइटी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। हम जिंदगी भर माइनॉरिटी रह जाएंगे, जिंदगी भर बैकवर्ड क्लास रह जाएंगे, और उसमें हम खुश रहेंगे। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के ख्वाब नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के ख्वाब था जो पाक मक्का से वहां पर पैदा हुए, वहां से आए और कलकत्ता में अपना ज्यादातर जिंदगी किए, उसके बाद गांधी जी के पुराव पे वो दिल्ली। उनका ख्वाब था सारे इंडिया का एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन, इसके ऊपर आगे बढ़ाना और हमारे कौम को आगे ले जाना। उस दिन यह ख्वाब पूरा होगा जिस दिन पूरा हमारे जितने हमारे कम्युनिटी है, इस्लामिक सोसाइटी है, वो सब पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे, तब मौलाना अबुल कलाम आजाद के लोग। जो इल्मी, समाजी और तालीमी मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले हजरात हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। पहला अवार्ड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अवार्ड, इस मरतबा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अवार्ड कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फार्मर हेड, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता प्रोफेसर नदीम साहब को तफीज किया जाएगा। दूसरा अवार्ड मौलाना आजाद सम्मान अवार्ड, एक ऐसी शख्सियत को पेश किया जाएगा जिसे कम से कम तालीमी हल्का बखूबी वाकिफ है, जनाब कार्तिक चंदन मन्ना चेयरमैन कलकत्ता प्राइमरी स्कूल काउंसिल, उनको मौलाना आजाद सम्मान अवार्ड दिया जाएगा। तीसरा अवार्ड मौलाना फखरे मिल्लत के अवार्ड डॉक्टर मुख्तार अहमद फतेह ऑल इंडिया एजुकेशनल एक्टिविस्ट फॉर पीस हैदराबाद, जो इत्तेफाक से मलिया में रहते हैं, उनको भेज दिया जाए। अब मैं इस स्कूल के पुरस्कार पाने वाले टीचर, जितने भी इनकी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। मास्टर अली से खान साहब, जो हर साल मौलाना आजाद साहब के नाम से इन्होंने यहाँ पे संस्था भी कायम किया और हर साल प्रोग्राम भी कराते हैं और हम लोगों को बुलाते हैं। मौजूद है हम लोग के बीच, उनके बगल में बैठे मोहम्मद अनीस, जो वार्ड नंबर 79 के तृणमूल माइंड मंडी के प्रेसिडेंट हैं, और एक हमारे भाई राजेश कुमार बैठे हुए हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के साउथ कोलकाता जिला के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बगल में बैठी हुई है दया किंग का नाम, जो तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई है और उनका पहचान मास्टर साहब ने बता भी दिया। और हमारे बड़े भाई
और वार्ड नंबर 79 के प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस के जनाब हाजी साहब मोहम्मद आलम साहब बैठे हुए हम लोग के बीच हमारे दोस्त हमारे भाई पुराने हमारे तृणमूल कांग्रेस के खिदिरपुर बटिया भूज नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में यूथ के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी थे स्टार्टिंग में ही मोहम्मद करीम साहब और यहाँ पे हमारी तमाम बहनें और हमारे भाई बच्चों सभी को मैं एक बार शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे बच्चे या जो पढ़े लिखे लोग फिलहाल जिनका 2000 के बाद इनकी पैदाइश हुई है वो लोग किनको जानते हैं अबुल कलाम आजाद था इनका नाम लेकिन जो साइंटिस्ट हम लोग थे एपीजे अब्दुल कलाम उनको ही ज्यादा लोग जानते हैं आज के इस दौर में लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद वो शख्सियत थे जिन्होंने जंगे आजादी में अपनी एक अलग किरदार निभाया और जंगे आजादी में ही नहीं जब देश आजाद हो गया उसके बाद सबसे पहले शिक्षा मंत्री वही थे मौलाना अबुल कलाम आजाद देश का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे और तीसरी बात मैं बताऊं कि जब देश का बंटवारा हो रहा था लोग पाकिस्तान जा रहे थे कुछ इंडिया में रह रहे थे आपस में अफरा तफरी मची हुई थी बंटवारे के समय उस वक्त बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटी के लोग थे वो पाकिस्तान जा रहे थे लेकिन यही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जमा मस्जिद के सीढ़ियों पे खड़ा होकर के कहाँ जा रहे हो आप यही रहो ऐ मुसलमानों आप यही पे रहो आपका हक हिंदुस्तान में ही है और मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा और मौलाना अबुल कलाम भी वैसे शख्सियत है जिन्होंने जमा मस्जिद की सीढ़ियों से ऐलान किया और यहाँ पे आज 20 करोड़ हो चाहे 25 करोड़ हो जो भी मुसलमान है यहाँ पे रह गए ये आप लोगों को मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद वो शख्सियत है तो गांधी जी ने उनको जाकर के पीठ थपथपाया था कि आपने हिंदुस्तान को एक सेकुलर राष्ट्र वाकई में बनाने के लिए बहुत कोशिश किया नहीं तो सारे मुसलमान हिंदुस्तान से चले जाते और हिंदुस्तान सेकुलर राष्ट्र बनकर के नहीं जाते तो मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा का पहले वो मंत्री थे हिंदुस्तान का जंग आजादी में बहुत बड़ा योगदान था उनका और बहुत सारी उनकी हिस्ट्रियां लेकिन बैठे हुए हमारे भाई आप लोग सभी ज्यादा बोलने का नहीं है मैं इन्हीं बातों के साथ अपना बात खत्म करता हूँ जैसा कि अभी भैया ने बताया कि हर साल इस लाइब्रेरी में ऐसे प्रोग्राम को रखा जाता है हालांकि मैं पहली बार आई हूँ इससे पहले मेरे स्वर्गीय पिता श्री राम प्यारे राम आया करते थे उनका बहुत ही बड़ा योगदान है ये भी मैंने सुना था उनके मुंह से और मास्टर साहब के मुंह से जैसे कि मौलाना आजाद के बारे में भैया ने काफी जानकारी दे दी हम सब जानते ही हैं और बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं कहना चाहूंगी धन्यवाद यहाँ ऐसे प्रोग्राम को रखने के लिए हम सबको यहाँ पर बुलाने के लिए सूरज चांद जब तक रहेंगे दुनिया में क्यों इस बात ये मौलाना अबुल कलाम आजाद देश का स्वतंत्र जो लड़ाई सिर्फ अपने लिए कोई नहीं लड़ता आज गोविंद अपना नाम अपने लिए हर कोई बचते जो मेरा नाम अपने लिए अपना पड़ोसी का भी काम नहीं करता उसका नाम कोई लेगा नहीं लेना चाहिए जो समाज के लिए काम करता है देश के लिए काम करता है दिन के लिए काम करता है दुनिया के लिए काम करता है उसका ही नाम रह जाता है इसलिए आज हमारे अली से मास्टर जी अंचल में एक समय देखते थे इस अंचल में पढ़ाई लिखाई बोलकर कुछ नहीं था तालीम में बहुत पीछे थे हम लोग वहाँ पर ही सुनते थे बसला प्रसाद का जवाहरलाल नेहरू स्कूल और आधार सिद्धि हाई स्कूल और अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल ही नहीं थे आज सब जगह देख रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या बड़ी थोड़ा पैसा आ गया कि स्कूल खोल दिया मगर तालीम असली तालीम बादशाह खान जूनियर खिदिरपुर अकेडमी
अल्लामा इकबाल स्कूल, अदर जिंदी हाई स्कूल, जितना आज के राष्ट्रपति पुरुष कर पाया कोई डे कोई संडे सनफ्लावर स्कूल में पढ़ नहीं पाए। आज हम लोग को सोचना चाहिए जो गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चे लोग दाखिल नहीं होते, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जहाँ पैसा भी दे रहा है। आज पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी जो सरकारी सुविधा दे रहा है उस सुविधा क्यों नहीं ले रही? हर स्कूल में उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, बंगला मीडियम हो, हर एक स्कूल में आज सरकार एक सुविधा दे रही है। अभी बाबी किराना सिंह साहब आएंगे, आगे यही बात ही कहेंगे जो गवर्नमेंट को जो पढ़ा रहा है, सिक्का साथी, शास्त्र साथी, स्वरूप साथी, शिशु साथी, ममता बनर्जी जो काम कर रहा है, आज स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, आज बच्चे यदि बाहर में पढ़ने जाए उसका पैसा भी दिया जा रहा है, तो ये आपको सोचना होगा। आप लोग जो स्कूल में पढ़ा रहे कहाँ पढ़ा रहे? गवर्नमेंट में पढ़ाइएगा तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, 8 पास करिए चाहे 10 पास करिए और 12 पास करिए आपका सर्टिफिकेट का दाम रहेगा। आप इतना बड़ा स्कूल का पढ़िए और आपको सर्टिफिकेट का कोई दाम नहीं रहेगा, महीना कितना दे रहे हैं बच्चा के लिए 3,000 रुपया और गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में बच्चा पढ़ रहा है तो आप लोग नहीं पढ़ाए। ये बात को ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज आदर्श हिंदी हाई स्कूल में स्टूडेंट कम हो गया, मास्टर की ज्यादा हो गया और एकेडमिक स्कूल में जाइए स्टूडेंट का एकेडमिक स्कूल का 21 साल आगे बादशाह खान में भर्ती होने के लिए आदमी लड़ता था और बादशाह खान में भी स्टूडेंट कम गया। अभी इस तरह सैयद में यहाँ से भी पढ़ाई होगा और स्कूल स्कूल खोल देने से नहीं होगा, विद्या को मंदिर खोलने वाला बात नहीं है, मगर सटीक विद्या सही सही से जो तालीम है वो तालीम यदि नहीं मिला तो आपका जिंदगी पूरा बेकार हो जाएगा। तालीम को सही से हासिल करना होगा, तालीम कल स्कूल में बड़ा बच्चा पढ़ता है उससे नहीं होगा, कल सरकारी नौकरी है आज बड़ा बड़ा सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर 5 बड़ा बड़ा चीज खुला गया, उसको नौकरी लेने के लिए आपको अच्छा से तालीम करनी होगा, कंप्यूटर सीखना होगा, लैपटॉप सीखना होगा, पढ़ाई इस तरह करिए कि पढ़ के सरकार को परचाव देने सके। आप पढ़े नहीं बोले आपको नौकरी चाहिए, नौकरी सरकार आपको नहीं देगी जब तक आप सटीक तालीम हासिल नहीं करिएगा, आपको कोई नौकरी नहीं देगी। तो आप लोग हर बच्चा अपना माता में ढुकाइए, कल स्कूल में आके घर चल गया और गार्जियन को भी बोलेंगे ऐसा स्कूल में भर्ती कराइए पैसा अभी नहीं लगता है। अभी कोई बोलेगा जो मेरे बच्चों पैसा के लिए नहीं पढ़ता है तो गार्जियन भी झूठ बोले। आज इतना प्रकल्प है, इतना प्रकल्प है, आप लोग काम में लगाइए। ममता बनर्जी आज गर्ल्स कॉलेज हुआ यहाँ पर, आगे हम लोग पढ़ने जाते थे बाहर और शिक्षा के लिए गर्ल्स कॉलेज हुआ। माइनॉरिटी इलाके में खास करके बोलेंगे माइनॉरिटी बच्चे लोग, आप लोग आदमी यदि घर में बैठ के रहेगा इलाके में बच्चे बच्चे लड़का नशा कर रहा है, बच्चे लड़का के हाथ में जहरीला पदार्थ दिया जा रहा है। अबुल कलाम आजाद जी का जयंती पे आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और इस अली शेर खान साहब जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस तरह प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करके लोगों को एक साथ जोड़ा और तमाम इलाके के स्कूलों को इकट्ठा करके इतना बेहतरीन प्रोग्राम को अंजाम दिया। आज हमारे बीच माननीय मंत्री फिराद हकीम साहब भी आएंगे, अभी हम लोग उनसे भी सुनेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में जितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं सभी जानते हैं कि वो क्या शख्सियत थी, देश की आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था, वो योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से महात्मा गांधी को नहीं भुलाया जा सकता उसी तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी नहीं भुला जा सकता। इन्होंने लड़ाई में अंग्रेजों को यहां से उखाड़ फेंका, देश बंटवारा हुई, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खड़ा होकर कहा जामा मस्जिद की सीढ़ी पे कि मुसलमानों के हिंदुस्तान छोड़ के मत जाओ, यहाँ पे हमारे पूर्वों की कब्र है, हमारी माँ बाप यहाँ पे सोई हुआ है। तो हिंदुस्तान के काफी मुसलमानों ने पश्चिम पाकिस्तान को पसंद नहीं किया,
और वो अपना घर हिंदुस्तान को ही बना के रह गया, जो आज भी हिंदुस्तान हमारा गर्व है और हम लोग हिंदुस्तानी गर्व से कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इधर मुंह कर रही है। इधर फेस कीजिए। इधर देखिए सर, सर 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 यहाँ हमारे लिए मौलाना आजाद दीवान 2024 इनकी खिदमत, इनकी कई दर्जन किताबें मंजरेआम पढ़ा चुकी है। उन्होंने कोविड कोविड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के अब आप गार्जियन पिछले गार्जियन को मौलाना आजाद सम्मान पेश कर रहे हैं। The library authority has unanimously decided to honor the following respected dignitaries as acknowledgement of their service to the community and nation. Maulana Azad Award 2024, Dr. Nadeem Ahmed, former head of the Department of Urdu, University of Calcutta. Maulana Azad Samman Award 2024, Karthik Chandra Manna, Chairman KPSC. And Fakhre Great Award 2024, Dr. Mukhtar Ahmed Faridi, President All India Urdu Mass Communication Society for the Peace and Stability. Striving for the development of the library, we hope for full moral support from the every section of society so that we can achieve our mission successfully. Thank you. माननीय মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মহাশয় বুঝে গেছেন। আমি শুধু এইটুকু যোগ করতে চাই যে এই স্কুলের জন্য যে পরিশ্রম করেছে, আমি সেই কৃষ্ণা ঘোষ যখন আমাদের এমপি ছিলেন সেই সময় থেকে আমি দেখেছি এই ডক্টর আলী শের খান
এই স্কুলে কালির চাল দুটো চারটে পিলার ভাঙা অবস্থায়, কিন্তু তিনি সেই স্বপ্ন নিয়ে এই স্কুলকে আজ প্রতিষ্ঠা একটি বিল্ডিং তৈরি করে দিয়েছে, এত স্টুডেন্টের সমাগম করেছেন, এত সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন। এর পেছনে যদি এডুকেশন আমরা আজকের দিনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে স্মরণ করছি 136 বছর পর, আমাদের সত্যি ভাগ্যবান যে ডাক্তার আলী শের খানের মতো একজন এডুকেশনিস্টের আমরা সমর্থন জানতে পেরেছি, যাকে সামনে থেকে দেখতে পেয়েছি। তিনি আজকের এই 75 বছর বয়সের মধ্যে সকাল থেকে বিকাল বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট কাতিকন্যা স্যার থেকে আরম্ভ করে হায়ার এডুকেশন সর্বত্র তিনি একা ছুটে বেড়ান। তার আজকের সহযোগিতার সন্তান আলম শের সেই হয়েছে, কিন্তু আমরা ভাগ্যবান যে জীবন দশায় একজন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড যিনি ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশন সেই ডক্টর আলী শের খানে উদ্যোগে আজকে আমরা এই ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান যারা শিক্ষামন্ত্রী সেই মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে স্মরণ করছি। সঙ্গে দুঃখের কথা যেটা বলছিলাম যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, এত লড়াই লড়েছে, কত মানুষ তার জীবন দান করেছে, সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা লড়াইয়ের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করেছে, তারপরে যখন একটা গণতান্ত্রিক সরকার তৈরি হয়েছে তার প্রথম শিক্ষামন্ত্রী সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি ছিলেন সেই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। আর আজকের দিন থেকে যে আজকে পার্লামেন্টে একটাও মাইনরিটি কোনো মিনিস্টার নেই, রাজনৈতিক তফাত এখানে যেখানে মানুষ সর্বধর্মের মানুষ এক হয়ে লড়াই করেছে দেশকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য, ভারতবর্ষের জন্য। আর আজকে কেন্দ্রের ওখানে এমন একটি রাজনৈতিক দল এসে সেখানে বসে আছে যারা প্রতিনিয়ত দেশটাকে ভাঙতে চাইছে, ধর্মের ধর্মের বিভাজন করে দেশকে ভাঙতে চাইছে। আজকে আমাদের সঠিক শিক্ষা দিতে হবে, এই এডুকেশন নিয়ে যেটা কালমাত্র বলে গেছে যে শিক্ষা নে চেতনা, চেতনা নে বিপ্লব। আগামী দিনে এখানে যারা শিক্ষক মহাশয় উপস্থিত আছে এই শিক্ষার দিনে শিক্ষক যারা আমরা স্মরণ করছি এডুকেশন ডেতে, যে এমন শিক্ষা বাচ্চাদেরকে দিতে হবে যেন এই ধরনের ধর্মের নামে বিভাজন করে দেশকে ধ্বংস করার চক্রান্ত যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে তাদের জাগ্রত হয়, তারা জ্ঞান যেন লাভ করে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এক থাকবো, একই থাকবো, একই থাকবো, ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব আমরা রক্ষা করবো, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য আজকে শেষ করছি। আমি তাকে প্রায় 20 বছর ধরে দেখছি এই প্রাইমারি স্কুল এডুকেশন কি করে ভালোভাবে হবে তার চেষ্টা করে যেতে, এবং আমি অবাক হয়ে যাই এই বয়সে সে প্রতিদিন চিন্তা করে এই এলাকায় যারা মাইনরিটি তাদের স্কুল কি করে ভালো করে চলবে, এবং আজকে এই পবিত্র দিনে যেটা আমাদের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী স্বাধীনতার পরে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যিনি প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন স্বাধীনতার পরে জওহরলাল নেহরু মন্ত্রিসভায় তার শুভ জন্মদিনে 136তম জন্মদিন, এটা আমাদের দেশের সরকার এই জন্মদিনকে বলেছে ন্যাশনাল এডুকেশন ডে, জাতীয় শিক্ষা দিবস। তাই সেই দিনে ডক্টর আলী শের খান এই ব্যবস্থা করেছে বাচ্চাদের জন্য কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্য, প্রাইমারি এডুকেশনের জন্য। সেই জন্য আমার পক্ষ থেকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ডক্টর আলী শের খানকে। আল্লাহ তাআলা ইনশাআল্লাহ তাকে আরো ভালো রাখুক, শরীর ঠিক থাকবে, এই স্কুল একদিন হাই স্কুল হবে, অনেক বাচ্চাদের পড়াশোনা করতে হবে। এই কথা বলে আমার আমাদের যে সকল অতিথি আছে
আমাদের বিশেষ করে খুশি সাহেব আছেন, হরিকৃষ্ণ সাহ সাহেব, আমার খুব ভালো লাগলো যে উনি একজন ইয়াং অফিসার, নিজের পেশাগত কাজের বাইরে আমাদের সমাজের মানুষের জন্য অনেক সময় ব্যয় করেছেন আমি শুনলাম, এবং এখান থেকে নিরন্তর বসে অপেক্ষা করছেন, বাচ্চাদের কথা শুনছেন, এবং এতকালীন যে বাচ্চাদের কথা ভেবে মানুষের কথা ভেবে নিজের পেশার বাইরে এসে মানুষের সঙ্গে সংযোগ রাখে না, এটা খুব কম আধিকারিক করে থাকে। আমি সেই জন্য মিস্টার পালকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ব্যাপারে এখানে ডক্টর আমির সাহেব আছেন, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ উইমেন ডাটা ইউনিভার্সিটি, আরো অনেক সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ আছেন। আমি সবার কাছে একটু মর্যাদা চেয়ে আমার আরেকটা সভা আছে যেতে হবে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। तो आपको एक जनरेशन को अगर आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन ही उसका ये है। ये तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब अपना लाइफ से, अपना जीवन से यही संदेश लेके गए हैं। इस चीज से बहुत वो याद करने के लिए आप लोगों ने प्रोग्राम किया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत अच्छा लगता है। उससे बड़ा एक चीज़ है, आज क्विज कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन और भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ हुए। स्कूल का प्रिंसिपल साहब भी यहाँ है। आपसे एक ही चीज मैं बोलूंगा, जैसे मेयर साहब ने पहले बोला था कि बच्चों स्कूल में रहना चाहिए, स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। इसपे टीचर्स, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, सभी का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी रहता है। क्योंकि मतलब बच्चों को जब स्कूल आना पसंद हो, वो लोग अपने आप चलेंगे, वो लोग अपने घर में भी छाप देंगे कि हम लोग स्कूल जाना है। वो तभी होगा जब मतलब एजुकेशन एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहे, मतलब खुशी खुशी वो लोग परीक्षा का डर ना लेके, वो लोग कुछ नए नए सीख रहे, ये खुशी लेके वो लोग जब आगे बढ़ने का टाइप का हम लोग सिस्टम जब बना के रखेंगे तभी वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। उनको ये करने में आप लोग सब सफल रहे। यहाँ आपका भी साथ मुलाकात हो गया, आपने बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एजुकेशन के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। फोर्थ डिविजन में विशेष करके इसके पहले मैं फिर आप 30 में गया था, और भी हिंदुस्तान लाइब्रेरी से भी आज निमंत्रण मिला है। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम बच्चे लोगों से, आज तो यहाँ तो ज्यादा बच्चे लोगों को नहीं मिल रहे, मैं पूछ रहूंगा तब मतलब जब ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स और बच्चों से जब मैं बात कर पाऊंगा तभी मुझे और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप ही लोग पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, सब लोग अपना बच्चे लोगों का सुविधा कर दे, उसमें हम लोग भी साथ देंगे, जो भी हेल्प हम लोगों से लगेगा, जो भी कुछ थोड़ा कुछ हम लोग भी कर सकेंगे तो मैं भी उसमें खुश रहूंगा। आप लोग भी सपने देखिए, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा ऑफिसर, अच्छा IAS, IPS, साइंटिस्ट, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हैं, म्यूजिक साइंटिस्ट, टीचर या कुछ भी आप लोग बनना चाहिए, उसके ऊपर एक अच्छा इंसान बने, पहले अच्छा इंसान बने, उसके बाद जो भी आप लोग बनना चाहेंगे वो बन जाए अपना देश का सेवा में। आप लोग कोई भी दौरान अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बने, जो भी एरिया में अपना काबिल होने का कोशिश कर लीजिए, आप लोग अपने आप सफल रहेंगे। धन्यवाद। और हर मुमकिन कोशिश के तालीमी मैदान में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की तरह एक इंकलाब लाने की कोशिश हो। डॉक्टर सर इकबाल ने कहा था कि तालीम जिंदगी है, जहालत मौत, और हम लोग की खुशकिस्मती है कि हमारे भी किसी को हरिकृष्ण भाई साहब भी मौजूद है, और इसके कुछ दिन कब्ल मैं हिंदुस्तानी लाइब्रेरी में अकबर साहब का भी इंटरव्यू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है इन तमाम लोगों के लिए जो तालीम पर बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इंकलाब लाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे तमन्नाओं के साथ डॉक्टर अली सैफ खान साहब को मैं माइक देता हूँ। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके एक बुलावे पर यहाँ पर हाजिर हूँ, इसलिए कि ये हर साल की तरह इस साल भी मौलाना आजाद को इन्होंने याद किया, साथ में उन तमाम जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मैंने खुद भी बहुत सारे ऑफिसों में इनको देखा है, इस स्कूल को तामीर करने के लिए, इस स्कूल को बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऑफिसों का जो है इन्होंने खाक छाना है, उनका आज ये स्कूल यहाँ तैयार है, इन्होंने अपने बंदूकें पे स्कूल को तैयार किया है। इनको आज हमारे इस इलाके में एक नेशनल अवार्ड, एक टीचर यहाँ मौजूद है, इनको इनका कारनामा की वजह से जो है नेशनल अवार्ड दिया गया। हम ये चाहेंगे कि समाज के सामने में जिस तरह डॉक्टर अली शेर खान को
बुलाया जाता है उस सर अली शेर खान का कारनामे को और काम को भी जो है तमाम लोगों के सामने में रखा जाए, इसलिए क्योंकि आने वाले नौजवान आने वाली पीढ़ी इनको सामने रखकर जो है कुछ सीख पाए और करने की कोशिश करें। यही दो चार बात कहते हुए जो है फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी समझता हूँ कि मौलाना आज़ाद को हर मोड़ हर चौराहे पे इस दिन में याद करना चाहिए, मगर मौलाना आज़ाद को सिर्फ और सिर्फ जो है अगर किसी ने याद किया अपने तमाम स्कूल के बच्चों को और अपने साथियों अपने दोस्तों को लेकर तो जनाब डॉक्टर अली शेर खान और इज्जत बख्शी, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। शेर अली खान साहब का खसूस शुक्रगुजार हूँ कि उनकी इनायतें मुझ पर रहती हैं। इससे पहले भी उन्होंने मुझे बुलाया था लेकिन मैं इसकी वजह से हाजिर नहीं हो पाया था। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ऐसी शख्सियत हैं जिनको हर ज़माने में याद करना चाहिए और उसमें तेज़ी भी आनी चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जो हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसी शख्सियतें हुई हैं जिनके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कॉस्मोपॉलिटन जहन रखने वाला शख्स था, तो उनमें से एक शख्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जिनको वाज़े तौर पर हम कह सकते हैं कि कॉस्मोपॉलिटन जहन रखने वाला शख्स था। अभी उसकी दो तीन मिसालें सामने की है। अभी देखिए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो बॉडी कंट्रोल करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो हका था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार किया था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोशिशों से ही 1956 में एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो है आगाज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या होना था। 1956 से पहले 1953 में जो इसकी पहली बैठक हुई थी यूजीसी की जो सबसे पहली बैठक हुई थी उसमें उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब की सदरत में वो मीटिंग हुई थी, तो नेहरू साहब ने भी इससे उनके जो उनके इस थॉट को बहुत अप्रिशिएट किया था कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो बॉडी आला तालीम को कंट्रोल करेगी और आला तालीम को पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अर्बन एरिया में और हिंदुस्तान के जो वो ऐसे इलाके जहाँ पर तालीमी निज़ाम उस तरह नहीं है उन तमाम को कंट्रोल करने का एक ऐसा खाका तैयार किया। तो अब आज देखिए कि यूजीसी हिंदुस्तान के तमाम कॉलेजेस को नैक के जरिए कंट्रोल करती है और यूजीसी पूरे हिंदुस्तान में चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 100% फंड यूनिवर्सिटी देती है, स्टेट गवर्नमेंट होगी तो उसको 60% फंड यूनिवर्सिटी देती है। तो इतना बड़ा अदारा जिस अदारे की बुनियाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रखी इसलिए उनको एक सही कॉस्मोपॉलिटन जहन रखने वाला शख्स कहा जाता है। बहुत विजनरी, बहुत दूर तक सोचने वाले ऐसा शख्स जो तालीम के हर मुहाज पर न सिर्फ खुद आगे था बल्कि पूरी फॉर्म को आगे रखना चाहता था। और एक आम बात जो है मौलाना के ताल्लुक से एक आम बात है कि मौलाना की कौमियत का जो तस्वुर है वो हमारा जो तस्वुर अभी जो फैला हुआ है कौमियत का उस तस्वुर से बिल्कुल अलग था। मसलन ये है कि हमारे यहाँ अभी कौम का तस्वुर क्या है, कौम का तस्वुर रिलीजन से है, लेकिन उनके यहाँ कौम का तस्वुर रिलीजन से नहीं था बल्कि एक जुग्राफियाई सिनारियो था, यानी एक जुग्राफियाई हदूद में बैठे हुए लोग एक कौम है, तो एक जुग्राफियाई हदूद में यानी हिंदुस्तान के तमाम लोग बिला शुबे पे गैर दुनिया हिंदुस्तान में रहने वाले जितने लोग हैं तमाम लोग जो है वो एक कौम है और कौमी तालीम के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई। तो एक तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिसको दिया कहा जा सकता है मौलाना का जंग आज़ादी से अलग, जंग आज़ादी को उन्होंने जो कोशिशें की, जंग आज़ादी में उनके जो उनकी जो जैद थी हिंदुस्तान में जो आज मुसलमान हैं और ये शान से रह रहे हैं उसमें मौलाना का कंट्रीब्यूशन कैसा था, ये तमाम बातें बहुत ही आम हैं। लेकिन इसके अलावा जो तालीमी मैदान में दो तीन चीज़ें उन्होंने की उसमें से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। एक और इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशन था वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ब्रेन चॉइस है, वो इंस्टीट्यूशन जो अभी एट प्रेजेंट हिंदुस्तान में 36 जबानों को कंडक्ट करती है वो साहित्य अकेडमी है। साहित्य अकेडमी भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस बात को महसूस किया कि हिंदुस्तान में जितनी जबानें बोली जाती हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, उन तमाम जबानों की एक ऐसी एकेडमी होनी चाहिए जिसमें तमाम जबानों के अधीन तमाम जबानों के जो पढ़ने वाले लोग हैं तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उससे क्या होगा कि जबान एनरिच होगी और एक दूसरे के तजर्बात के लोग चाहिए। तो मौलाना के कारनामे तो इतने हैं एजुकेशन के लाइन में, इसको अगर आप लिखना चाहें तो कई किताबें हो जाएंगी। तो मौलाना बशरियत शख्सियत थी या तालीम के मैदान में वही कारनामा, पॉलिटिक्स के मैदान में उसी तरह का कारनामा, अदब के मैदान में उसी तरह का कारनामा, यानी कोई ऐसा फील्ड नहीं है इस फील्ड में उन्होंने अपने अनमिट नकुश नहीं छोड़े। लिहाजा मौलाना को आज हम याद करके मेरे लिए भी ये खुशबती है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से एक ऐसा अवार्ड कायम किया गया और इसके लिए मुझे सेलेक्ट किया गया। इसके लिए मैं शेर अली खान साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शेर अली खान साहब मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे आज इस लायक समझा, अवार्ड लायक समझा। मैं आपका और सर का और यहाँ बैठे हुए पंकज भाई जितने लोग यहाँ हमारे टीचर्स वगैरह मिलते हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम में मुझे बोलने का आपको मौका मिला और अच्छा लगा लोगों से मिल करके। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आज हमारे समाज हमारे हमारे तालीम की अच्छा ज़रूरत है और क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है और हम समझते हैं कि हम लोग इस बात की कोशिश करें कि हमारे इलाके का हमारे कम्युनिटी का कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। इसके लिए और नहीं सिर्फ ये कि तालीम से महरूम रहे बल्कि ड्रॉप आउट का सिलसिला बंद होना चाहिए और इसके लिए हम लोग हर वक्त हम तक पहुँचा है और इसी का नतीजा है कि हमने मौलाना आजाद उर्दू स्कूल प्राइमरी सेकेंडरी मौलाना आजाद एजुकेशन लाइब्रेरी और जामिया उर्दू अलीगढ़ की इम्तहाना जो 48 साल से माध्यमिक से लेके एमए तक का होता है पूरे बंगाल का और मेरी निगरानी में होता है पाबंदी के साथ, ताकि इसी तरह से वो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं या अपना तालीमी सिलसिला बरकरार नहीं रख सके हैं उनका फिर से तालीमी सिलसिला कायम हो और वो तालीम हासिल कर सके। इसके लिए हम लोग बेपरवाह कोशिश कर रहे हैं और आज मौलाना आजाद के यौम पैदाइश पर हम इसका आहद करते हैं या आइंदा भी हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम लोग ज़रूर करेंगे। टीचर तालीम निसाब और गार्जियन हजरत जिम्मेदार है। गुरबत की वजह से हमारे बच्चे जो दो चार क्लास पढ़े उसके बाद माँ बाप भेज देता है कि कहीं जाकर के गैरेज में काम सीखो, कहीं जाकर के कोई दूसरा काम सीखो। एक तो गुर्बत की वजह है, दूसरी वजह है गार्जियन की लापरवाही और तीसरी वजह है हुकूमत और टीचर हजार भी इस मामले में जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी से भाई से टीचर हम अपने आप को अलग नहीं रखते। अच्छा आप मुंतजिम इंतजाम दे रहे हैं उनको सहूलत दी जाएगी। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है कि ये डिजिटल एजुकेशन की वजह से हम अपनी तालीम को मुकम्मल कर पा रहे हैं और जहाँ तक आज जिन प्रोग्राम उन्होंने किया है तमाम असातिज़ा और तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन है और बेहतरीन तरह से क्या बोलते हैं टीम हमारी है जिसकी वजह से हर काम को हम लोग हर साल आसानी से कर सकते हैं। इस साल इस दिन बड़े लोगों को दिया गया अवार्ड अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी, अगले साल फिर हम लोग तीन और लोगों को यह अवार्ड सुनवाएंगे और चूँकि इस साल प्रॉब्लम लोगों को इस शॉर्ट टाइम में जितने भी स्कूल थे हिंदी मीडियम थे तमाम स्कूल बंद हो गए थे, इस शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने कोशिश किया बंगला मीडियम के और बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए। इसके बाद भी 14-16 टीम आई है कॉम्पिटिशन में, अगले साल इंशाल्लाह इस बात में ख्याल छुट्टी नहीं होने की वजह से बीमारी हुई है, अगले साल ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम हो और साथ साथ इस बात आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप इतना मशहूरियत होने के बाद भी आते हैं हम लोग हौसला अफजाई करते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्की दे और हमारा अदारा और ज़्यादा। आपका नाम बताइए? आलम शेर खान, हेडमास्टर मौलाना आजाद। बहुत शुक्रिया।
हमारे जाना चाहिए। डॉक्टर अलीशेर खान साहब ने चले अपने तमाम लोगों को और अपने तमाम मौलाना आज़ाद को याद करने की कोशिश। मौलाना आज़ाद बहुत बड़े शख्सियत थे। मौलाना आज़ाद का देश की आज़ादी से लेकर अभी तक जो पॉलिसी एजुकेशन का चल रहा है वो मौलाना आज़ाद का विचार है। मौलाना आज़ाद को जो है हर मोड़ में याद करना, हर जगह मौलाना आज़ाद को हाँ एक ऐसी शख्सियत बच्चे भी सीखना चाहते हैं और मैं यहाँ से आपका ये जो होटल है आपका जो ये मीडिया यही आज पूरे हिंदुस्तान को जो है सामने बाकी जो है बड़ी बड़ी दिल्ली है वो आज चाहिए जमाना का इतना ताकत तो मीडिया की जो है पत्रकार के कलम इस सरकार को भी मजबूर कर देते हैं मगर आज इन लोग जो है सरकार के लिखावट और सरकार के कलम बोलते हैं। हकीकत तो ये है आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा कि आप लोग तमाम लोग जो है हकीकत पूरी दुनिया से जो है गांव से शुरू करके शहर से शुरू करके एक एक छोटा छोटा पॉलिसी एक एक छोटा छोटा जो है आज निकाल के लाते हैं। आज जैसा जिस तरह आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लेकर जो है डॉक्टर अलीशेर खान जिन्होंने नेशनल अवार्ड जो है उनको मिला आज उनसे तो इस इलाके को प्रेरणा लेना चाहिए। उनको सिर्फ हर जगह इनवाइट करके ला करके उनको एक गुलदस्ते को तो यूँ नहीं बल्कि बच्चों के सामने में ला के एक खड़ा करना चाहिए कि इस लोग इस इंसान को देखो इस इंसान जो है इस उम्र में भी जो है एडुकेशन के लिए किस हद तक जो है दौड़ रहे हैं किस हद तक जो है ये जा रहे हैं। में डिस्टेंस एजुकेशन में इंस्पिरेशन इन्हीं का आता है कोई डिस्टेंस एजुकेशन का कोई अभी तक अभी अब क्या बोलिएगा देखिए माहौल आज के दिन में बहुत सारा जो है उलट पुलट हो चुका है माहौल में पूरा जहर भर चुका है इतना पोल्यूशन हो चुका है कि अच्छे लोगों का जो है जगह नहीं है और अच्छे लोग बाकी जो है अपने आप को क्या करें। अच्छा क्या कहना चाहिए ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स जो है हमारे इलाके के उनको यहाँ ज्वाइन करने के लिए जामिया मिलिया से डिस्टेंस एजुकेशन मुंबई हो गया है एक जगह चार बच्चे बैठे हुए हैं और वो चार एक दूसरे से बात नहीं करते सब जो है एक अपने मोबाइल में लगा है। आप एक घर को देख लीजिए जो है घर में भी जो है यही माहौल है चाहे रात हो या किचन हो या फिर कोई बीच हो हर जगह में मोबाइल लगे तो ये कोविड के बाद से जो है इसका सबसे बड़ा जो है इफेक्ट पड़ा है बच्चों पे कि बच्चे आज पढ़ाई से दूर होकर जो है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की तरफ में चले गए हैं और ये समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि एजुकेशन जो है अगर पिछड़ गया तो ये समाज पिछड़ जाएगा और आज का समाज वाकई जो है सबसे हम एक बात बोलना चाहेंगे इस बात को आप लोग अपनी और भी बात जो है जोड़ कर थोड़ा सा बोलना बोलिए जो है हर बात में जो है आप लोग हर न्यूज़ में इस बात को बोलिए नौजवान पीढ़ी एकदम बरकरार है। नौजवान पीढ़ी एक वक्त था जो कॉलेज से निकल के आने के बाद में एक जज्बा था समाज में काम करने का उसी नौजवान को ही समाज का काम करते थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो ये नौजवान ही थे जो इनकलाब लेकर आए थे मगर आज का जो नौजवान है ये सिर्फ चार फोटो उठा के फेसबुक में छोड़ना के सिवा जो है इनका कोई काम समाज से नहीं रह गया है। समाज को जो है जितना समझ लीजिए कि आज ऊंची इमारत बन रहा है उतना ही जो है आदमी जो है नीचे गिरता जा रहा है उतना ही नीचे गिरता जा रहा है। आज का जो नौजवान पीढ़ी है वो पीढ़ी जो है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नेक्स्ट जनरेशन करेगा क्या समाज के सोसाइटी इस देश के लिए क्या सोचेगा कौन से जगह चला गया है समाज या सोसाइटी। आज हर लड़का देखिए जो है आप
हैकिंग और वो इसमें चला गया है, इनको जो है इजी मनी के लिए जो है ये इस तरह से गलत रास्ते पे चला जा रहा है जो है कुछ कहने का नहीं। रात होते ही जो है सारा लड़का इलाके के चला जाता है, कोई भवानीपुर कोई बागसर के एक एक गाड़ी में तीन तीन लड़का बैठ के ड्राइव कर रहा है और उसके बाद सुनने में आता कोई ना कोई बच्चा एक्सीडेंट, घर वाले का बात कोई सुन रहा नहीं, समाज का बात नहीं सुनी, कौन सा समाज हम तैयार कर रहे हैं। लोग कोशिश करेंगे, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा इस बात को आप लोग जो है बार बार करके दिखाएं, क्योंकि आप लोग का बहुत मेहनत है, आप लोग सारा दिन मेहनत करके जो है बड़े जिम्मेदारी के साथ में जो है न्यूज़ दिखाते हैं। इस बात को थोड़ा सी कीजिए कि आने वाला समाज जो है, आने वाले जो बच्चे हैं, क्या सिर्फ चार फोटो उठा के सोशल मीडिया में छोड़ देना यही जिम्मेदारी रह गया? आज का दिन में एक ऐसा हो गया है कि एक किसी को अगर एक केला भी अगर मदद कर रहा है तो वो भी अब छोड़ दिया जा रहा है। माने इस ढंग का जो है माहौल हो चुका है, कौन सा समाज पूरा सपना लोग देख रहा है, कौन सा समाज तैयार हो रहा है, क्यों जानते हैं? क्योंकि नौजवान पूरा पूरी जो है गलत रास्ते की तरफ चला है। आने वाला कल क्या होगा मालूम नहीं। एक मिनट देखो बात आ गई। चलो भाई, हाँ